these boys. These boys. These boys. हेलो यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका? वेलकम. ये क्या कर रहा है? ऐसे नमस्ते कर रहा हूं यूट्यूब फैमिली को, नहीं कर सकता क्या? वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल टू फिल्मी फ्रेंड्स. एज ऑलवेज ही इज इक्षक. ही इज रौनक. बंदूक ऊपर करके क्या बैठ गया तू? नहीं नहीं, टू फिल्मी फ्रेंड्स. साइन साइन टू. वैसे तुझे पता है हमारी जोड़ी काफी हिट हो गई है. कैसे? जैसे शिखर धवन, रोहित शर्मा. जैसे द्रविड, गांगुली. जैसे सचिन, सहवाग. जैसे युवराज, महेंद्र सिंह धोनी. तो चाहता था ना धोनी का नाम तो ही ले. बिल्कुल, मनोकामना पूरी हो गई. मिलती है भाई का नाम लेके. तो गाइस, आज का जो ट्रेलर रिएक्शन है बहुत ज्यादा स्पेशल है, बिकॉज कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, प्लेटफॉर्म डिफरेंट है. आज हम रिव्यू करने वाले हैं इनसाइड एज 2 को. ये एक वेब सीरीज है जो अमेजन प्राइम पे फीचर होती है. ये इसका सेकेंड सीजन है जो 6 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है. उससे पहले वी रिक्वेस्ट आप इसका पहला सीजन जरूर देखें, एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड टाइम पास. आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे. इसने देखा था, इसने मुझे रेकमेंड किया, मैंने देखा और वाकई ही बहुत अच्छा टाइम पास है. आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, स्पेशली इफ यू आर अ क्रिकेट फैन, तो आपको अच्छा लगेगा. और वैसे क्रिकेट तो इंडिया में बहुत फेमस है भाई. क्रिकेट किसी को 1% पसंद ना भी हो, आईपीएल सबको पसंद है, तो ये आईपीएल के बैकड्रॉप पे ही बेस्ड है. इसकी कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी बड़े बड़े नाम है वेब सीरीज में भी. इट स्टार्स विवेक ओबरॉय. अपना धंधा ना सिर्फ डर पे चलता है, डर पे. रिचा चड्डा, सिद्धांत चतुर्वेदी एंड अंगद बेदी. इट इज डायरेक्टेड बाय आकाश भाटिया. तो गाइज, इसका ट्रेलर चेकआउट कर लेते हैं और फिर अपना रिएक्शन शेयर करते हैं. चला दे बेटा, चला दे बड़े. सो लेट्स स्टार्ट विद लास्ट ईयर्स एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल सीजन ऑफ द पीपीएल. You are simply missing, Bhai Saab. Well, I'm here now. मैं क्रिकेट को बदलना चाहता हूँ. एक कॉमनवेल्थ स्पोर्ट से ग्लोबल स्पोर्ट बनाना चाहता हूँ. And you're doing all this for the love of the game, right? Yes. Bhai Saab, यही पावर मुझे भी चाहिए. मैं आज भी उतनी ही कमजोर हूँ जितनी पहले थी. I want to be like you. First name of the day, Arvind Vashisht. अगर आप मेरी टीम के कप्तान बनते हैं, तो मैं निरंजन सूरी के कातिल को पकड़वाने में आपकी मदद करूंगा. क्या कहते हो? ऑफर मंजूर है? And so, up next, Pacers. Prashant Kanojia. ये देखो, खून अभी भी गर्म. Clearly, he's off form. I don't care. I am the captain of the Mavericks, and I decide. I want Prashant on the team. Cricket mein performance enhancing drugs ke bahut fayde ho sakte hain. An all player will take, Rekhan will win. If I find out that you have allowed any wrongdoing in the PPL, I assure you that you and this power play league will be appropriately punished. Aise captaincy karoge Mavericks? जब मैं पीपीएल में तुम्हें हराऊंगा ना, तभी कुछ होगा. और मैं आपके पीपीएल कमबैक का ना रोल बैक करवा दूं. अरविंद वशिष्ठ वर्सेस वायु राघवन, धमाकेदार होगा. I can't let you kill the game. Maybe the time to evolve is now. वो जिसकी भी चाहे हेल्प ले ले, that trophy is mine. I want to prove myself. अगर इतनी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना भाई, तो कब का इस टीम के कैप्टनसी से रिजाइन कर चुके होते तुम. अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं होता. I can think of only one person who can do something like this. Are you watching? Yes, I am. It's all happening just the way I planned it. Mm-hmm.
आज तक मेरे को विवेक रहेगी कुछ एंट्री विंट्री देख के ना मजा नहीं आया था। तो सलमान खान फैन है ना? हाँ, बट आज पहली बार मेरे को विवेक जब लास्ट में आना तो अच्छा लगा इसमें, क्योंकि ये ना नेगेटिव रोल बहुत अच्छे करता है बंदा। राइट यार, एक्चुअली ट्रेलर बहुत अच्छा था। अगर आपने सीजन वन देखा है ना तो आपको ट्रेलर और भी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इन दोनों कनेक्ट कर पा रहे थे कि क्या हो रहा है, रिलेट हो सकता है भाई। अंगद बेदी और जो वायु उसका मतलब वायु राघवन का वो जो फाइट होने वाले ना वो बहुत सही होने वाले। इट्स लाइक अ प्रॉपर गेम शो, ट्रूली पॉलिटिक्स और क्रिकेट जो चल रहा है। अगर आप जेन्युइनली पता करना चाहते हो कि आईपीएल के पीछे की क्या कहानी चल रही है, क्या पॉलिटिक्स चल रही है, प्लेयर ट्रेडिंग को लेके, फिटनेस को लेके, बहुत सारी चीजें चल रही है, आफ्टर पार्टीज को लेके, तो ये शो देखना जरूर बनता है। आपको इंटरेस्ट आपका डबल हो जाएगा, इंटरेस्ट डबल हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको एक सच्चाई पे भी ले जा सकता है। आई थिंक जो लोग कहते हैं कि आईपीएल के पीछे एक सच्चाई इनसाइड एज है, देख और मेरी पहली सीरीज भी इनसाइड एज ही थी, फर्स्ट वेब सीरीज मैंने जो देखी थी वो इनसाइड एज थी और मेरे को मजा बड़ा आया था। और अब टाइम पास अच्छा है, पहली बार हम ट्रेलर भी रिव्यू अगर किसी वेब सीरीज का दे रहे तो वो इनसाइड एज का कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोइंसिडेंस हो गया, होता रहता है, बट पहली वाली के हिसाब से मैंने उसका ट्रेलर देखा था, उसका ट्रेलर मेरे को इतना होने लगा था, इस वाली का ट्रेलर मेरे को और ज्यादा इंटेंस लग रहा है और ज्यादा स्टोरी लाइन अप आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये और एक लेवल उठ गया है, ज्यादा बड़ा हो गया है। अच्छा, वो जो पर्सन था जिसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भाई साहब, इज द सेम पर्सन जो वेडनेसडे में भी था और वैसे काफी मूवीज में रहे हैं, तो आई थिंक इसमें काफी वो एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। वैसे वो इतने मूवीज में करते नहीं है, बट इसमें इनको काफी अच्छा रोल दिया और वो उनकी एक्टिंग में प्रॉपर दम है, उनको अपने जो रोल मिलता है वो बखूबी निभाते हैं। बिल्कुल, वैसे ये जो सीजन है बेसिकली मुंबई मैवरिक्स टीम है पीपीएल की, उसके इवॉल्व, उसके अराउंड रिवॉल्व होता है, और क्या प्लेयर ट्रेडिंग, फिटनेस सेशंस और जो भी पॉलिटिक्स बिहाइंड द सीन्स चलती है मैचेस के बाद, ये उस पे फोकस करती है। इसमें ये भी बताते हैं, सीधा पता चल रहा है कि उसको वो प्लेयर चाहिए, मैनेजमेंट मना कर रही है, कैप्टन अपनी डिमांड रखता है, कैप्टन के अगेंस्ट जाते हैं, तो वो सारी चीजें एक है कि जब आईपीएल की ऑक्शन भी होती है काइंड ऑफ, इसमें ऑक्शन भी दिखाई है, ऑक्शन भी दिखाई है, तो वो ऑक्शन का भी है, मतलब ये प्रॉपर आपको एक वो है कि आप ठीक है आईपीएल आने से पहले आप इनसाइड एज देख लो तो आपको अगला आईपीएल देखने में मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और इतना ना हैवी भी नहीं है, एक चीज होती है ना आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, वैसा भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल इजी। मतलब मेरे को लगता है मैंने शायद दो तीन दिन में खत्म कर दिया था, 8 एपिसोड थे इसमें, पता नहीं कितने, तो बहुत लंबा कीजिए। हाँ मतलब लोग एक एक दिन में खत्म, मैं सैटरडे नाइट बैठा था, संडे मॉर्निंग खत्म करके उठा था। हाँ तो इट इज गुड। ऋचा चड्ढा भी है, उनकी भी परफॉर्मेंस अपने आप में बहुत अच्छी है, इवन लाइक अंगद बेदी का भी काम काफी अच्छा होता है, अंगद बेदी का भी काम अच्छा होता है, अंगद बेदी एक्टिंग, मेरे को ऋचा चड्ढा पर्सनली बहुत पसंद है, उनकी एक्टिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अच्छा एक चीज है, वेब सीरीज होने के बावजूद भी लग रहा है कि इस पे ना अच्छा खासा टाइम इंटरेस्ट के साथ और पैसा लगा के बनाया हुआ है, उसका स्केल काफी अच्छा लग रहा है। उसके पीछे एक ही रीजन है, एक्सेल। एक्सेल मैंने पहले भी कहा था जब नरसिम्हा रेड्डी आई थी कि एक्सेल ऐसे पैसा नहीं लगाता, एक्सेल बहुत सोच के पैसा लगाता है। अच्छा एक्सेल एंटरटेनमेंट जो बेसिकली रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर हेड करते हैं, इनकी एक खासियत है ये साल में 3-4 चीज़ें निकालेंगे मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, बट इनकी वो तीनों चारों चीज़ें हैं ना, चारों की चारों डिफरेंट होगी, कुछ भी इंटरलिंक नहीं होगा। अगर एक जगह लव स्टोरी होगी तो एक जगह एक्शन मूवी होगी, हाँ। एक जगह हिस्टोरिकल ड्रामा होगा तो एक जगह कुछ कॉलेज रोमांस टाइप होगा। अब ये एक्सेल इसमें आ रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर द वेब सीरीज ऑफ द किंग ऑफ द वेब सीरीज मिर्ज़ापुर विल बी बैक, मिर्ज़ापुर जो उसके भी लुक्स आ चुके हैं, आ चुके हैं। तो गाइज आप जरूर चेकआउट करना, मेरा रिक्शा का स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन है, अगर आपको क्रिकेट और आईपीएल में इंटरेस्ट है तो आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगेगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर नहीं भी अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू डिसलाइक ऑल्सो, बट कुछ ना कुछ करना जरूर। एंड डू कमेंट ऑन दिस कमेंट सेक्शन दैट कि आपको पीपीएल इनसाइड एज प्रॉपर आईपीएल का वो लगता है कि नहीं लगता है, वी वांट टू नो व्हाट यू गाइस से। तो कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना कि अगर आपने सीजन 1 चेकआउट किया हमारे रिएक्शन के बाद तो वो आपको कैसा लगा, एंड आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू सीजन 2, इट स्टार्ट्स ऑन 6 दिसंबर। एंड गाइस अपडेटेड रहने के लिए घंटा दबाना मत भूलना यार, और सोशल पेजेस पे प्लीज हमें जरूर फॉलो करना ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक। एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हमें सब्सक्राइबर्स की जरूरत है, सो कीप सपोर्टिंग, कर दो यार कर दो, कब से बेचारा बोले जा रहा है सब्सक्राइब। अच्छा चले चलो, टिल देन नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय जनता, टाटा।